पहुंच चुका है वहां पे, एंड यहां पे कुछ ढोल बज रहा है, और यहां पे क्यों बज रहा है मेरे कुछ भी समझ में आ नहीं रहा। रथ पहुंच गया एकदम आगे और यहां बजा रहे हैं। अब इसका क्या कनेक्शन है क्या पता, इतने पूरे रास्ते पे कुछ नहीं है। अब बाकी रथ में यात्रा में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एंड मैंने जितना आपको दिखा सका उतना दिखाया, एंड मतलब गरिमत यह है कि मुझे पकड़ने भी मिल गया था रस्सी, जो रथ खींच जिस रस्सी से रथ बंधा हुआ था वो रस्सी मुझे खींचने मिल गई थी, तो बहुत टाइम तक मिली एक्चुअली। एटलीस्ट हम वहाँ से निकले थे एंड हमें मुझे यहाँ तक के अपना बाबा जी का झोपड़ी तक मुझे खींचने मिला था। उसके बाद कुछ आ गए स्मार्ट लोग, उन लोगों ने ले लिया, फिर उन लोग अंदर ही रखे, मतलब अंदर ही रख लिए उन लोग, अपने अपने लोग खाली खींच रहे थे रस्सी को। तो ऐसा क्या सीन था मुझे समझ में नहीं आया। अभी फिलहाल जा रहे रिटर्न रथ के पास, एंड क्या तो देखते हैं अभी आगे का क्या सीन है और कहां तक जाती है, मुझे तो नहीं पता। दक्ष कहां तक जाने वाले, दो कुछ आइडिया है? चेक नागा तक जाने वाले सर दक्ष बोल रहा है, मेरे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, बाकी देखते हैं वहां जाके पता चलेगा क्या हिसाब है क्या नहीं, वहां जाके देखते हैं, वहीं जाके पूछेंगे। चलो
हमारा जस्ट निकल रहा था, मतलब यहाँ से यात्रा यहाँ से निकल रही थी, तो यहाँ पे आरमॉल पड़ता है बीच में, तो मेरे फ्रेंड्स लोग आरमॉल घुस गए, यात्रा छोड़ दी आरमॉल घुस गए। अब कहाँ गए वो लोग, लोग ने खाली इतना बताया कि आरमॉल में है, आरमॉल में किधर है वो मेरे को पता नहीं, और मेरे को रेक्टिफाई करना पड़ेगा किधर, या तो मेरे को फ़ोन पर बात करना पड़ेगा। वो लोग 10 फ़ोन करते हैं, एक तो ढोल में आवाज़ नहीं आती और चिल्ला चिल्ला के पूरा गला गया मेरा। तो अभी इनको ढूंढना पड़ेगा किधर है, फिर से यात्रा हम ज्वाइन करेंगे एंड एंड तक जाएंगे, जहाँ तक यात्रा जा रही है वहाँ तक जाएंगे। तो अभी जो सिनेरियो है आपको भाजा के बताते, पहले इनको ढूंढते हैं, फ़ोन में चार्जिंग हो गया कम होगी, तो अब जुगाड़ लगाना पड़ेगा कुछ, पहले इनको ढूंढते हैं उसके बाद आपसे कम्युनिकेशन करते हैं। तो ब्लॉग तो ये तो दो पार्ट में ही जाएगा, ये ब्लॉग दो पार्ट में जाएगा, सिंगल पार्ट में आएगा नहीं है, तो दो पार्ट में ही आएगा। तो पार्ट टू का वेट करना, या तो पार्ट टू आ भी गया होगा, पार्ट टू में ही देख ले रहोगे, गॉड नोस। तो अभी ढूंढते हैं इनको कहाँ पे, देन उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस मैं जस्ट घर आया हूँ एंड अभी पहले मैं जाता हूँ फ़ोन को लगा दो चार्जिंग पे, चार्जिंग बहुत ज़्यादा कम है मेरे फ़ोन में, तकरीबन मेरे 3-4% खाली चार्जिंग है। तो अभी फटाफट से फ़ोन को पहले चार्जिंग पे लगाता हूँ, चार्ज करता हूँ, देन उसके बाद मिलता हूँ आपसे एंड में वीडियो के। चलो ओके सो गाइस फ़ोन में थोड़ा सा चार्जिंग हो गया है एंड मैं ये बता रहा था आपको कि यू नो बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसमें, अपना रथ यात्रा में बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड बहुत अलग एक्सपीरियंस था। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर यहाँ इतना रंग चढ़ाए, यहाँ पे इतना यू नो इतना एक्साइटमेंट है लोगों में, और इतना पागलपंती है, इतना भक्ति है लोगों में, सब जगह पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जय श्री राम सब जगह नारे लग रहे हैं, बच्चा बच्चा या बूढ़ा कोई भी हो नारे लगा रहा है, खाली जय श्री राम बोल रहा है, जिसके मुँह से अगर पहला वर्ड निकल रहा है जय श्री राम निकल रहा है उसके मुँह से पहला वर्ड, तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी कि कोई हद नहीं भाई, कोई हद नहीं। तो अयोध्या में क्या हो रहा रहेगा आई डोंट नो, वो तो कल ही पता चलेगा क्या हो रहा रहेगा क्या नहीं। अभी तो फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो फोन में इतना चार्जिंग भी नहीं है कि एडिटिंग वेडिंग हो, तो कल सुबह उठ के एडिटिंग करेंगे। तो कल मुझे थोड़ा काम भी है, कुर्ला वगैरह भी जाना है, कल का ब्लॉग थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, कल आएगा नहीं आएगा वो तो भगवान जाने, ये तो पार्ट वन पार्ट टू में आएगा, बाकी का कल तो देखते हैं क्या सीन है। बहुत काम है यार, कल कुर्ला जाना है, ब्लॉग भी शूट करना है, कल 22 तारीख भी है, कैसे होगा क्या होगा वो तो ऊपर वाले पे छोड़ दिया मैंने, अगर ब्लॉग बना तो ठीक है, नहीं बना तो गेम हो जाएगा पूरा। तो वही चीज़ है, अभी फिलहाल तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय।